तो ये देखिए दोस्तों, आ गया है आपके सामने राघव के जन्मदिन पर। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, राघव के बर्थडे पर हमने लिया है ये प्यारा सा डिजिटल बोर्ड। जी हाँ, इसमें हम अब स्मार्ट तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा सा स्मार्ट बोर्ड आपके सामने ओपन हो रहा है। और कल इसका पूरा अनबॉक्सिंग देखिएगा। ये एक छोटा सा वीडियो है, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूँ। और दोस्तों, कल इसका पूरा अनबॉक्सिंग देखिएगा, पूरा डिटेल से देखिएगा कि ये कैसे कैसे काम करता है। और दोस्तों, आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सहयोग के साथ ही यह डिजिटल बोर्ड हमने आप लोगों के लिए ही, आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही लिया है, ताकि आपको अक्षर अब बड़ा बड़ा दिखाई देगा, कोई भी अक्षर छोटा नहीं दिखाई देगा, ताकि आपको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकें। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको इस प्रकार डिजिटल बोर्ड के बारे में बताएंगे, और डिजिटल बोर्ड में कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो ये देखिए, राघव के जन्मदिन पर हमने लिया है डिजिटल बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, और ये हमने कहाँ से लिया, कैसे लिया, ये कल के वीडियो में आप लोग देखिएगा पूरा डिटेल के साथ। राघव के जन्मदिन पर ये डिजिटल बोर्ड हमारे घर में आया, और आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहे, ताकि हम लोग आपके सपोर्ट से और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से इस प्रकार के वीडियो बनाते रहे। यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल बोर्ड को, उसके जो पैनल है पीछे, जिसको जिसके माध्यम से इनको दीवार पर लटकाया जाएगा, उसको फिट किया जा रहा है, उसके बाद इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो कल के वीडियो में आप इसका पूरा डिटेल देखिएगा, इसको कैसे फिट किया गया, कैसे इसको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही मजबूती के साथ दीवार पे लटकाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना बड़ा जो पैनल दिखाई दे रहा है, इसको दीवार में बहुत ही मजबूती के साथ कसा जा रहा है। तो कल देखिए वीडियो।